Hey guys, welcome back to another video. तो guys, आज review करेंगे Neck Pro के performance whey protein concentrate का और इसका lab test करेंगे muscle brace की home testing kit के साथ. guys, आखिरी में देखेंगे इसका result क्या आता है आपके और आखिरी में बताऊंगा ये product आपके लिए worth for money है या नहीं. तो guys, बिना कुछ समय गवाए इस video को शुरू करते हैं. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके manufacturer के बारे में. तो इसको manufacturer और market दोनों ही Neck Pro Nutrition करता है जो कि Bangalore based कंपनी है. नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में. तो कंपनी ने साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड से इनने इस प्रोटीन को मैन्युफैक्चर किया जो कि एक नेचुरल फिल्ट्रेशन मेथड है. मेथड अपने डिस्क्लोज कर दिया, वो एक काफी बढ़िया सा पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी का. नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में. तो इनने यहाँ पे ऐड किया है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे पाउडर, कोकोआ पाउडर इसलिए ऐड किया है क्योंकि मेरे पास चॉकलेट फ्लेवर है. उसके बाद नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर्स इन्हें ऐड किए हैं, जेंथम गम ऐड किया है जो कि स्टेबलाइजर और मिक्सिंग एजेंट का काम करता है, और सुक्रालोस ऐड किया है. तो ओवरऑल इनके इंग्रेडिएंट्स काफी साफ सुथरा है, ज्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स कंपनी ने ऐड नहीं किया है फालतू का. इस बात कर लेते हैं इसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन के बारे में. तो मेरे पास है हाफ के जी की सर्विंग. इनका सर्विंग साइज है एक हिपिंग स्कूप 33 ग्राम का, यानी उस हिसाब से इसमें 15 सर्विंग आपको मिलेगी. अब बात कर लेते हैं इसके पर स्कूप एनर्जी के बारे में. तो आपको एनर्जी मिल जाती है 124 कैलोरीज. प्रोटीन आपको मिल जाता है 23.10 ग्राम, ये ठीक है. बात करें कार्ब्स की तो ये मिलता है आपको पर स्कूप में 5.34 ग्राम जो कि थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी है मेरे अकॉर्डिंग. उसके बाद बात करें फैट की तो 1.69 ग्राम है, ये ठीक है. और सोडियम इसमें ऐड किया है 0.08 ग्राम. तो कंपनी ने अपनी तारीफों में लो कार्ब्स का जिक्र किया है, बाकी उनने न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन में इसको जस्टिफाई नहीं किया है. तो इसको तो मैं एक नेगेटिव पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ. नेक्स्ट बात करें इसके एमिनो एसिड प्रोफाइल की. तो कंपनी ने पूरी अपनी एमिनो एसिड प्रोफाइल डिस्क्लोज की है और इनके एमिनो एसिड प्रोफाइल का जो टोटल आ रहा है वो उनके प्रोटीन कंटेंट को जस्टिफाई करता है. तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी का. बात करें इसके स्मेल और कंसिस्टेंसी के बारे में. तो इसमें से स्मेल कोको की भी आ रही है हल्की फुल्की, सोए की भी आ रही है हल्की फुल्की, कोकोनट की भी आ रही है. सबसे ज्यादा स्मेल इसमें कोको पाउडर और सोयाबीन की हल्की फुल्की आ रही है. नेक्स्ट बात करें इसकी कंसिस्टेंसी की, तो आप देख सकते हैं काफी बढ़िया सा दानेदार प्रोटीन है, इसके कारण इसमें मिक्सेबिलिटी में इशू आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. नेक्स्ट बात करें इसकी स्कूप एक्यूरेसी के बारे में. मैंने लिया एक लेवल स्कूप जिसका वेट आ रहा है 34 ग्राम और ये मैंने लेवल स्कूप लिया है. बाकी कंपनी ने मेंशन किया 33 ग्राम हीपिंग स्कूप में. तो आप हीपिंग स्कूप लेंगे तो इसका वजन 2-3 ग्राम और बढ़ जाएगा, तो आप इसकी सर्विंग साइज से बहुत ज्यादा ऊपर चले जाएंगे, 37-38 ग्राम जाएगा. आप इसका लेवल स्कूप ले तो भी आप इसके सर्विंग साइज को मैच कर लेंगे. नेक्स्ट बात करें इसके मिक्सेबिलिटी के बारे में. तो 10-12 सेकेंड शेक करने पर आपको काफी बढ़िया सा लम फ्री प्रोटीन शेक मिल जाता है. तो मिक्सेबिलिटी के मामले में तो कंपनी को 8/10 मार्क्स दूंगा. नेक्स्ट बात करें इसके टेस्ट के बारे में. तो इसका टेस्ट काफी बढ़िया है. XLR8 का वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो मैंने लास्ट वीडियो में रिव्यू किया था उससे जैसा ही सेम इसका टेस्ट आ रहा है. बाकी इसमें से स्मेल ज्यादा अच्छी नहीं आ रही है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है. बाकी टेस्ट के मामले में कंपनी को 9/10 मार्क्स दूंगा. नेक्स्ट बात करें इसके प्राइस रेंज के बारे में. तो मैंने ये प्रोटीन बुलाया है 750 रुपए का आधा केजी की पैकेजिंग. बाकी बात करें इसकी 1 केजी की पैकेजिंग की तो वो आ रही है अभी 1377 रुपए की. तो उसके अकॉर्डिंग आपको तो 1.96 रुपीज में आपको पर ग्राम प्रोटीन मिलता है. तो एक चीप रेंज में आपको मिल रहा है अभी के समय में भी, जहां पे प्रोटीन के कॉस्ट जो 1200-1300 रुपए में प्रोटीन मिलते थे 1600-1700 रुपए में मिल रहा है. बाकी ये प्रोटीन अभी भी आपको काफी चीप प्राइस में मिल रहा है. बाकी इसकी जो स्मेल है वो मुझे थोड़ा सा मेरे दिमाग को आगे पीछे कर रही है. बाकी अपन जब लैब टेस्ट करेंगे तो उसमें अच्छी तरीके से जस्टिफाई हो जाएगी इसकी प्रोटीन की क्वालिटी कैसी है. नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट के बारे में. तो मैंने इसका डिमॉन्स्ट्रेशन आपको इस वीडियो में नहीं दिया है, साइड में फास्ट फॉरवर्ड में लगा दूंगा. लास्ट दो वीडियो में मैंने वो दिखाया था, वो दिखा के मैं आपको फोकट बोर नहीं करूंगा, सीधे अपन बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट के बारे में. इसकी रीडिंग आ रही है 10-11 के बीच में. तो मसल ब्लेस की लैब टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी रीडिंग आ रही है 75-85%, बाकी लेवल क्लेम कर रहा है 70%. तो ये लेवल क्लेम से काफी ऊपर ही आ रही है. तो मसल ब्लेस की होम टेस्टिंग किट के अकॉर्डिंग ये प्रोटीन फर्स्ट टेस्ट पास करता है. नेक्स्ट अपन इसको चेक करें कंफर्मेशन टेस्ट में. तो अपन ट्यूब को इन्वर्ट करते हैं, देखते हैं कितना प्रोटीन नीचे आता है, कितना ऊपर ही रहता है इसका प्रेसिपिटेशन. तो बात करें इसके कंफर्मेशन टेस्ट में, तो 2-3 रीडिंग इसकी पीपीटी नीचे फ्लोट
की है। तो बात करूँ इसकी क्वालिटी की, तो कन्फर्मेशन टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी एवरेज है, एवरेज से ऊपर नहीं है ना एकदम फर्स्ट है, एवरेज है। तो इसने मैं बोलूँगा सेकेंड टेस्ट भी ऑलमोस्ट पास किया है, फेल नहीं हुआ है। अब इसका अपन सेकेंड कन्फर्मेशन और टेस्ट कर लेते हैं, जिससे अपने को पूरी तरीके से भरोसा हो जाए प्रोटीन जेन्युइन है या नहीं। आप ये देख सकते हैं इसमें भी प्रॉपर कोएगुलेटेड मास बना है, तो ये प्रोटीन सेकेंड कन्फर्मेशन टेस्ट को भी पास करता है। तो मसल ब्रेस की प्रोटीन टेस्टिंग किट के अकॉर्डिंग तो इसने तीनों टेस्ट को पास कर लिया है। तो मैंने आपको इसका रिजल्ट बता दिया। मुझे एक चीज पे डाउट था इस प्रोटीन की क्वालिटी पे, क्योंकि स्मेल थोड़ी सी इससे मुझे ठीक नहीं आ रही थी। बाकी मैंने जब टेस्ट किया तो इसकी प्रोटीन की क्वालिटी भी एवरेज आ रही है, ज्यादा खराब नहीं आ रही है। तो फाइनल बात करूं तो यदि आपका बजट 1450 रुपए का अभी के समय में, जब भी ये वीडियो में शूट कर रहा हूं, तो आप ये प्रोटीन ले सकते हैं, काफी बढ़िया डील है इस प्राइस रेंज में। बाकी आप थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं, थोड़ी ऊपर प्राइस रेंज में ले सकते हैं, तो बढ़िया एक्सलर्ट का वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट मिल जाएगा। उसका लेफ्टेस्ट रिव्यू मैंने कर रखा, राइट बटन पे वो मैं लगा दूंगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने जो भी बताया मेरा खुद का ओपिनियन था, दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए, कंपनी के पॉजिटिव निगेटिव। अब आपको प्रोटीन परचेस करना है या नहीं वो आपकी मर्जी। बाकी ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर देना, और कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, कौन से प्रोटीन का रिव्यू चाह रहे हो वो भी जरूर कमेंट कर देना, लगता है किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो शेयर कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।